हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो गाइस, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में न्यू अल्ट्रा ग्राफिक्स का अपडेट आने वाला है गाइस, लेकिन उसी अल्ट्रा ग्राफिक्स के पहले हम लोग चेक करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सीन्स जहां पे अगर हम लोग अल्ट्रा ग्राफिक्स लगा देते हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में तो गेम कैसा दिखेगा। तो चालू करते गाइस पहले हमारे घर के साथ। तो ये है अल्ट्रा ग्राफिक्स में गाइस हमारा घर। तो हमारा बंदा जो है वो देखो कितना ज़्यादा रियल लग रहा है यार, और घर भी जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस जो बाइक है उसको पेड़ बना दिया है और ये सामने कुछ रेट डाल दिए। अब नेक्स्ट हम लोग यार कुछ गाड़ियाँ मंगाते हैं हमारी और उनको देखते हैं अल्ट्रा ग्राफिक्स में वो कैसी दिखेंगी। तो पहले बुलाते हैं मस्टैंग को और सुप्रा को, एक हेलीकॉप्टर और एक आध बाइक। ये आ चुकी है हमारी गाड़ियाँ, चलो अब देखते हैं कि ये कैसी लगेंगी। तो ये है हमारी गाइस गाड़ियाँ अल्ट्रा ग्राफिक्स में। हेलीकॉप्टर जो है वो तो यार बिल्कुल प्रोफेशनल मिलिट्री हेलीकॉप्टर लग रहा है। हमारी बाइक भी थोड़ी अच्छी हो गई है, ट्रॉन बाइक दिख नहीं रही है, लेकिन जो कार्स हैं दोनों वो दोनों HD में हो चुकी है। और पीछे की जो बिल्डिंग है गाइस वो तो यार मस्त ही दिख रही है, घर जरूर गायब हो चुका है। अब बाइक लेके चलते हैं हम लोग हमारे बीच के पार्किंग की तरफ गाइस। ये जो पार्किंग है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का, तो इसको भी देखना बनता है। ये आ गया HD अल्ट्रा ग्राफिक्स में हमारा गेम, और ये बंदा यार बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है। अभी तक जो भी कन्वर्ट हुआ था ना इतना अच्छा नहीं लगा। और गाइस पूरी सीनरी, पेड़ भी देख लो आप, बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है यार, पीछे की बिल्डिंग भी। अब यहीं पे खड़े हम लोग तो इधर एक NPC भी घूम रही है, तो एक झलक इस पे भी मार लेते हैं। तो ये जो फोटो आई है इस पे मैंने बहुत ट्राई मारे गाइस, बंदा तो ठीक हो गया, लेकिन जो NPC है ये कुछ अलग ही घोड़े जैसी लग रही है गाइस। इंसान की बॉडी है लेकिन मुंह मत देखना, बाइक तब भी ठीक लग रही है। तो अब आए हैं हम लोग हमारी न्यू लोकेशन पे जो कि है हमारा रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन के पास पहले तो हमारा ये रैंप है बड़ा सा जिसको जरूर देखेंगे हम लोग। तो ये रैंप कुछ ऐसा दिखता है, हाँ बोल सकते हैं कि पूरा गेम ही चेंज लग रहा है इसमें, लेकिन पीछे का जो पहाड़ और पानी है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है गाइस। और रैंप बिल्कुल डिट्टो है, बस लकड़ी का हो चुका है। अब चलते हैं हमारी ट्रेन के पास, क्योंकि ये जो सीन है ये मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा जनता को यही देखना होगा कि ट्रेन भाई अल्ट्रा ग्राफिक्स में कैसी दिखेगी। तो चलो देखते हैं। तो गाइस स्टेशन जो कन्वर्ट हुआ है भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, लेकिन अगर हम हमारे बंदे के मुंह की तरफ देखें तो इसमें कुछ तो दिक्कत है। आंख और नाक कान कुछ मुझे समझ आ नहीं रहा। ऊपर से ट्रेन हम देखें तो ट्रेन का हमें सिर्फ आगे का डब्बा दिखता है जो कि ठीक ठाक ही लग रहा है, उतना खास है नहीं। पीछे के पेड़ ज़रूर बढ़िया है। अब जा रहे हैं हम लोग गाइस जुरासिक पार्क में देखने, क्योंकि जुरासिक पार्क में तो हमें देखने को मिलेगा डायनासोर, जो कि अल्ट्रा ग्राफिक्स में कैसे दिखेगा ये जरूर देखना बनता है। डायनासोर से थोड़ी दूरी जरूर बनानी पड़ेगी मुझे, वरना मुझे इसका मुंह ही नहीं दिखेगा और मैं फोटो ले ही नहीं पाऊंगा। तो ये है कुछ डायनासोर का सीन गाइस। अब जो बंदा है हमारा वो ठीक है भाई, बाइक भी काफी बढ़िया लग रही है, ठीक है जुरासिक पार्क भी दिख रहा है, लेकिन जो डायनासोर है ये बंदा क्यों बन गया मुझे ये समझ नहीं आ रहा गाइस। ये डायनासोर बंदे में कन्वर्ट हो चुका है, वो भी हेलमेट पहना हुआ, मतलब कि डायनासोर को हम लोग चेंज नहीं कर पाए। अब आ चुका हूँ मैं हमारे लेटेस्ट लोकेशन पे जो इसी अपडेट में आई है, वो है कार शोरूम, क्योंकि ये भाई रियल में इतनी अच्छी लगती है तो अल्ट्रा ग्राफिक्स में देखते हैं कैसी लगेगी। तो अल्ट्रा ग्राफिक्स में यार हमारे शोरूम की सुंदरता जो है वो आ ही नहीं पा रही है, मतलब बोलूँ तो मज़ा नहीं आया गाइस, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया अल्ट्रा ग्राफिक्स में। तो कार शोरूम ने तो मूड खराब कर दिया है, तो इसलिए हम चलते हैं भाई हमारे रैम्स की तरफ, क्योंकि रैम्स यार काफ़ी पहले से, इनको नहीं दिखाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये है हमारे रैम्स अल्ट्रा ग्राफिक्स में गाइस, और रियली भाई कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक एक रैम्प दिख रहा है इसमें, वो भी अल्ट्रा ग्राफिक्स में। हमारा बंदा भी जो है उसकी बॉडी भी बिल्कुल रियली अल्ट्रा ग्राफिक वाली लग रही है, बिल्डिंग भी रियल, बहुत ही अच्छी फोटो आई है गाइस, बहुत अच्छी बन के आई है सच में। तो निकल चुके हैं हम लोग हमारी अगली लोकेशन पे है, जो कि होने वाला है भाई नागपुर एयरपोर्ट। नागपुर एयरपोर्ट पे दो बड़े बड़े प्लेन्स खड़े हैं गाइस, तो इनको देखना, और ये जो दो बिल्डिंग है इनको भी देखना बनता है। तो पहले देखते हैं हमारा बड़ा वाला प्लेन, लेकिन आ जाते हैं पहले थोड़ा अंधेरे में, क्योंकि यार वाइट कलर का प्लेन मुझे लगता नहीं है कि ढंग से हो पाएगा एडिट। अब देखते हैं, ये आ गया गाइस हमारा प्लेन बिल्कुल अल्ट्रा ग्राफिक्स में, और कितना ज़्यादा रियल लग रहा है यार, बहुत सही लग रहा है। बस लेफ्ट का जो है यहाँ पे मुझे लग रहा है समुंदर ऐड कर दिया है गलती से,
लेकिन वो रैम्प जरूर दिख रहा है गाइस, बंदा भी दिख रहा है और प्लेन तो यार मजा आ गया, मजा आया। और अब देख लेते हैं हमारे पीछे का सीन गाइस, जो कि हमारी ये दो बिल्डिंग और ये छोटू सा प्लेन। तो ये जो दो बिल्डिंग आई है भाई बहुत सही आई है, पीछे का जो पार्किंग है वो भी प्रॉपर आया है बिल्कुल, लेकिन जो प्लेन है वो कन्वर्ट हो गया है पता नहीं किसी चीज में, वही समझ नहीं आ रहा, बाकी तो ठीक है। तो बाहर का सीन तो बहुत देख लिया हमने, एक सीन जरा इंटीरियर का भी देख लिया जाए, तो इसलिए चलेंगे हम लोग हमारे गाइस न्यू हाउस के बेडरूम में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी है अंदर। तो ये ठीक लग रहा है क्योंकि ये प्रॉपर अल्ट्रा ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है गाइस, बस जो हमारे बंदा है ना इसके टैटू पता नहीं कहाँ से आ गए, बाकी हर जो चीज़ है पेंटिंग से लेकर बेड तक सब अल्ट्रा ग्राफिक्स में हो चुकी है। तो ज़मीन पे तो बहुत घूम लिए हम लोग, अब चलते हैं पानी की तरफ, ज़मीन देख ली, पानी और हवा भी देख लेते हैं। तो इसलिए मैं आ चुका हूँ इस बीच के पास और बीच के ये हट्स मुझे देखने थे, साथ ही में इस पानी को भी। तो किया इसको अल्ट्रा ग्राफिक गाइस, और भाई पहले तो देखो आसमान में ना एक चांद जरूर दिख रहा है हल्का सा, है ना, ये चांद ही है कि बादल है पता नहीं क्या है ये, ठीक है। अब जो हमारा हट था ये प्रॉपर बन के आया है बिल्कुल अल्ट्रा ग्राफिक्स में, बंदा भी रियल लग रहा है, रेत भी अच्छी लग रही है, पानी भी रियल लग रहा है, आगे की छतरी भी दिख रही है, सब है इस फोटो में सब। तो हमने फीमेल एनपीसी तो देख ली थी लेकिन मेल एनपीसी देखना बचा था, तो इसका भी मुंह देख लेते हैं शायद से ये आ जाए। तो इसको किया अल्ट्रा ग्राफिक्स में और हमारे बंदे की बनियान ही चेंज हो गई है, सफ़ेद से ग्रीन कलर की हो चुकी है, पीछे की जो बिल्डिंग है ये पूरी अल्ट्रा ग्राफिक्स में हो चुकी है गाइस, बंदा भी कन्वर्ट हो ही गया था लेकिन यार इसका मुंह पता नहीं क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाया और हाथ भी गायब कर दिए गए, बाकी रोड वोड भी बढ़िया ही है। तो बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं गाइस, लेकिन हमारे जो पालतू जानवर हैं इनको भी देखना बनता है ना, तो इसके लिए बुलाएंगे हम लोग गाइस अपने घोड़े को, कुत्ते को और हमारे डायनासोर को। तो इंसान तो बदला जा नहीं रहा लेकिन यार घोड़े और डायनासोर को बदल दिया गया है, कुत्ते का मुंह अभी भी गायब है लेकिन डायनासोर आगे से कुत्ता जरूर लग रहा है, तो अगर आपको कुत्ता मिसिंग लग रहा है तो डायनासोर का मुंह देख लो, घोड़ा तो मुझे बिल्कुल सेम लग रहा है। और गाड़ी तो भाई ख़त्म ही कर दी है, बुगाटी पता नहीं क्यों तोड़ दी, बाइक ठीक है, बंदा ठीक ही है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हमारा वेपन गाइस, तो एक आध वेपन कोई सा हमारा, हम देखते हैं अल्ट्रा ग्राफिक्स में कैसा दिखेगा, तो बेस्ट मुझे लगता है आरपीजी सही रहेगा। तो इसको किया अल्ट्रा ग्राफिक्स में और भाई क्या फोटो आई है, इससे अल्ट्रा ग्राफिक्स वाली फोटो अभी तक आई नहीं थी गाइस, आरपीजी का टेक्स्चर देखो यार, ऐसा लग रहा है कैमरा पकड़ा है, इतना रियल बिल्डिंग, रियल गाइस, बंदे की बॉडी बिल्कुल खतरनाक रियल, मतलब सब मस्त है भाई, मजा आ गया। अब उनको बुला लेते हैं जिनके कारण हम लोग यार गेम में उतनी मस्ती कर नहीं पाते हैं, जो कि हमारे पुलिस दबंग वाले। ये आ गया हमारा कानून और अब लेते हैं हम लोग इसको अल्ट्रा ग्राफिक्स में। तो अल्ट्रा ग्राफिक्स करने के बाद भाई पुलिस वाला गायब हो जाता है बिल्कुल एनपीसीज की तरह, पीछे की बिल्डिंग भी थोड़ी सी खराब आई है इस बार, इस फोटो में प्रॉपर देखा जाए तो सिर्फ कार ही है जो कि देखने लायक है। अब पुलिस को तो हमने बुला लिया था भाई, एनपीसीज इससे हो नहीं रहा है, एक और बंदा बचा है इसको भी देख ही लेते हैं जो कि हमारा जॉम्बी। तो ये जो फोटो है ये तो काफ़ी अच्छी अल्ट्रा ग्राफिक्स में आई है, बस जो जॉम्बी है ये हमारा इंसान बन चुका है, तो अल्ट्रा ग्राफिक्स में अगर जॉम्बी को देखें तो वो इंसान ही है क्योंकि बना तो वो इंसान से ही ज़ॉम्बी है, तो ये शायद ऐप ने थोड़ा लॉजिकली ले लिया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। गाड़ी से बहुत चल ली यार, एक बार हवा से भी देख लेते हैं कि हवा से कैसा सीन दिखता है अल्ट्रा ग्राफिक्स में, और इस सीन की तो मैं तारीफ करूंगा क्योंकि भाई काफी ज्यादा अच्छा है, बस आगे जो रोड था उसको पानी बना दिया लेकिन वो भी अच्छा लग रहा है, अगर ऐसी भी सिटी बन गई ना तो भी हमारी काफी अच्छी है, प्लेन भी ठीक है। आपको लग रहा होगा हमने सारी लोकेशन देख लिए लेकिन एक लास्ट लोकेशन थी जो अभी भी बची थी, वो क्या है गाइस जल्दी से गैस करो क्योंकि हम 5 सेकंड में पहुंचने वाले हैं उधर। आगे बोलना नहीं पता। बता। तो पहुंच चुके हम लोग और ये लोकेशन थी हमारा पेट्रोल पंप गाइस, तो पेट्रोल पंप बचा था तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो पेट्रोल पंप तो भाई काफ़ी बढ़िया है, जैसा गेम में दिखता है वैसा ही दिख रहा है, वो भी अल्ट्रा ग्राफिक्स में, घास भी सही है, बंदा भी सही है, कुछ गलती है ही नहीं इस फोटो में। तो ये था हमारा गेम गाइस अल्ट्रा ग्राफिक्स में, जो कि हमारा अपडेट में भी आने वाला है भाई, तो अपडेट में कैसा आएगा उसका हम लोग वेट करते हैं, जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए, और गाइस कमेंट कर देना नीचे अपने अपने मिथ्स ताकि हम उनको ले अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में, और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।